हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्विन फ्लेम भारत चैनल। आज हम मैस्कुलाइन की रीडिंग करेंगे और देखेंगे कि मैस्कुलाइन का एनर्जी अपडेट इस टाइम पे क्या है और व्हाट आर दे फीलिंग राइट नाउ, व्हाट इज़ योर मैस्कुलाइन फीलिंग राइट नाउ। तो फर्स्ट कार्ड जो निकला है उससे ये इंटरप्रिटेशन होती है कि जो आपके मैस्कुलाइन हैं वो इस टाइम बहुत ज़्यादा हार्ट चक्रा पेन में हैं, डिसअपॉइंटमेंट में हैं, और उनको या तो किसी ने बहुत ज़्यादा हर्ट करा है या फिर वो इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, या किसी ने उनकी लाइफ में बैक स्टैबिंग की है। जो वो अपनी लाइफ में जिस तरह से लाइफ को चलाना चाहते थे उस तरह से एट प्रेजेंट उनकी लाइफ नहीं चल रही, जिस वजह से उनको उसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ रहे हैं। जो उनकी विश थी कि मेरी लाइफ इस तरह से चलनी चाहिए थर्ड डायमेंशन में, उस तरह से उनकी लाइफ नहीं चल रही, जिस वजह से उनकी डिसअपॉइंटमेंट्स हो रही हैं। उनका अभी करंट पार्टनर या रिलेशनशिप में भी हो सकता है चीज़ें उस तरह से नहीं चल रही जैसे उन्होंने अपनी लाइफ में सोचा था। ऑफ कोर्स अगर वो ट्विन फ्लेम जर्नी पे हैं तो वो इस जर्नी को रेजिस्ट नहीं कर सकते, इस जर्नी को नहीं छोड़ सकते। मेरे को यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल इम्बैलेंस है, उसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं अपनी लाइफ में, चीज़ों को अपने बैलेंस को बहुत मेंटेन करने की कोशिश करते हैं और अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं बट वो अचीव नहीं कर पाते, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस कहीं ना कहीं आपको भी झेलने पड़ते हैं अपने ट्विन फ्लेम के। आइदर आपको हार्ट चक्रा में पेन हो सकता है, आइदर आपको ये फील हो सकता है कि आपकी लाइफ में आप बैलेंस लूज़ कर रहे हो एकदम से, अचानक से पीस की स्टेट से एंगर वाली स्टेट में आ जाते हो, और कहीं ना कहीं जो उनकी एक डिसअपॉइंटमेंट और लैक ऑफ बैलेंस है उनको लगता है कि वो आपकी वजह से है, क्योंकि वो आपके साथ काफ़ी कुछ बिल्ड करना चाहते थे, वो काफ़ी कुछ आपके साथ अपनी लाइफ में लाइफ को अहेड ले जाना चाहते थे, नेक्स्ट स्टेप की तरफ ले जाना चाहते थे बट वो नहीं लेके जा पाए, वो नहीं कर पाए, तो वो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं लॉस्ट हो गए हैं और उनको क्लैरिटी नहीं मिल रही। हालांकि उनके अंदर अभी भी वो किंग बने रहने की और वो जो हम बोल सकते हैं कि एक पार वाली एनर्जी मैस्कुलाइन के अंदर होती है वो उनके अंदर अभी भी है, बट अभी भी कहीं ब्लाइंड स्पॉट्स हैं जहाँ पे आपके ट्विन काफ़ी चीज़ों को नहीं देख पा रहे। आप में से कई ट्विन्स हो सकता है टीचिंग की जॉब में हों या स्टडी कर रहे हों या फिर कहीं पढ़ाते हों किसी को, और स्टडी से रिलेटेड यहाँ पे मुझे दिख रहा है, या आप लोग जॉब अप्लाई कर रहे हो, जॉब के लिए काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हो और अपनी स्किल को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो। अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो हो सकता है कि आप किसी चीज़ पे काम कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, अपना 110% दे रहे हो बट क्लैरिटी नहीं मिल पा रही, ना आपके ट्विन को इस टाइम पे मिल पा रही है ना आपको मिल पा रही है। और बट जो आप दोनों के अंदर एक होप है वो आज भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो होप आप दोनों के अंदर खोई नहीं है, इस जर्नी को लेकर नहीं खोई, एक दूसरे को लेकर नहीं खोई, और आपको पता है कहीं ना कहीं कि ये आप दोनों जो आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो उनकी लाइफ में कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है होप। और एक मिसिंग की एनर्जी भी यहाँ पे देखने को मिल सकती है कि एक दूसरे के लिए वो मिसिंग वाली एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कई दिन इट इज़ गुड और कई दिन ऐसा होता है कि आपको लगता है कि आप अपने ट्विन को मिस कर रहे हो। ऑफकोर्स ये इस जर्नी में पॉसिबल इस जर्नी में होता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि एक ओपननेस वाली स्टेट आप दोनों के अंदर आ रही है, स्पेशली मैस्कुलाइंस के अंदर, क्योंकि एम्परर का कार्ड निकला है तो मैं ये बोलूँगी कि एक ओपननेस वाली स्टेट आ रही है, अपने आप को एक्सप्रेसिव करने वाली स्टेट आ रही है, एक पॉजिटिविटी आप दोनों की लाइफ में आ रही है, और किसी चीज़ से आप फेमिनाइंस, किसी चीज़ से स्पेशली फेमिनाइंस आगे बढ़ेंगे। आपको पता है वो चीज़ आपकी लाइफ में वर्क नहीं कर रही,
तो उस चीज़ से आप आगे बढ़ेंगे और आपको उसमें पॉजिटिविटी दिखेगी जब आप अपने एम्परर के अंदर चेंज देखेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो तो आपके एम्परर जो है वो आपके ट्विन हैं, और वो आपके अंदर और ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेके आएगा जब आपका ट्विन अपनी फीलिंग्स आपसे एक्सप्रेस करेंगे, वो आपको स्ट्रेंथ देगा, वो आपको इन्फिनिटी की पार में लेके जाएगा, क्योंकि जो फेमिनिन होती है उसमें अपने आप में ही बहुत स्ट्रेंथ होती है, और वो एक स्ट्रेंथ जब वो एक फेमिनिन डिवाइन फेमिनिन बन जाती है तो उसके अंदर बहुत स्ट्रेंथ होती है, ब्रेवरी होती है, कंपैशन होता है, सेल्फ कंट्रोल होता है, और आपके अंदर अगर कहीं डाउट है इन चीज़ों को लेकर कि आपके ट्विन या आपके मैस्कुलाइन काम नहीं कर रहे या वो वर्क नहीं कर रहे या फिर वो नहीं चाहते आपके पास वापस आना, तो ये एक होप की एनर्जी है कि दे विल कम बैक, डोंट वरी अबाउट दैट, एंड होप दिस वीडियो हैज हेल्प यू अ लॉट. बेस्ट विशेज फ्रॉम माई साइड. थैंक यू सो मच.